हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश की बुक का चैप्टर एट और ये जो चैप्टर है ये लिखा है गेविन मैक्सवेल ने और इनफैक्ट ये चैप्टर ही नहीं इनकी पूरी एक किताब है उसके उससे ही ये चैप्टर लिया गया है तो गेविन मैक्सवेल जो हैं वो रहते हैं एक कॉटेज में मतलब एक छोटा सा झोपड़ा या फिर आप कह सकते हैं घर में कैमूफियरना में जो कि है वेस्ट हाईलैंड स्कॉटलैंड में तो कैमुफियरना जो है वो जगह है स्कॉटलैंड के पास उनके पास एक डॉग था जॉनी जिसकी डेथ हो गई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे उसके अपने डॉग की डेथ से तो वो काफ़ी सोचते हैं कि उन्हें फिर उसके बाद एक पेट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए उसी के बारे में पूरा एक चैप्टर है डॉग के बारे में नहीं ये है ऑटर के बारे में ऑटर एक ऐसा जानवर होता है जो कि पानी के इलाकों में रहता है देखिए ऐसा दिखता है ये ऑटर होता है तो देखते हैं चैप्टर में क्या है early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. to तो 1956 ke starting mein ye southern Iraq ko gaye the jo writer hain By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. तो उस समय पर जब ये southern Iraq में गए हुए थे 1956 में, तब इनके दिमाग में आया कि इनको एक pet रखना चाहिए न कि एक dog बल्कि एक otter डॉक की बजाय ऑटर एक पैट रखना चाहिए एंड दैट केमोफियारना रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स स्टोर वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट तो कैमुफियरना जहाँ पे वो रहते थे वो एक रिंग्ड बाय मतलब वहाँ पर एक गोल सा या फिर आप समझ लीजिए वाटर स्पेस था वहाँ पे काफी सारा पानी था मतलब स्टोन थ्रो जहाँ पे उनका घर था उससे अगर वो पत्थर फेंकेंगे मतलब स्टोन थ्रो का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा पास में था उनके घर से जहाँ पे वाटर अवेलेबल था और जो आ, ये ये होते हैं ऑटर ये कहाँ रहते हैं ये पानी में रहते हैं तो ये डॉग के बजाय एक ऑटर भी पाल सकते थे तो ये जो एक्सपेरिमेंट ये करना चाहते थे ऑटर को पालने का ये काफ़ी अच्छा रहता क्योंकि वहाँ पे कैमूफी में वहाँ पे काफ़ी सारा पानी था और वो आराम से ऑटर पाल सकते थे वेन आई कैजुअली मेन्शन दिस टू अ फ्रेंड ही एज कैजुअली रिप्लाई डेट आई हैड बेटर Get one in the Tigris marshes for. देयर देयर वर एज कॉमन एज मस्कीटोज़ तो फिर इनके अपने फ्रेंड को एक बात प, ये बात बताते हैं कि इनको एक ऑटर पालने का मन है तो इनके फ्रेंड कहते हैं कि इनको Tigris के marshes से वो लाना चाहिए क्योंकि देखिए Tigris क्या है Tigris एक नदी है जो कि ईरान इराक वाली रीजन में बहती है marshes जो है उस एरिया को कहते हैं जो दलदली इलाका होता है तो Tigris के marshes में ऑटर्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है वहाँ से ही ऑटर्स मिल जाएंगे ऐसा इनके फ्रेंड ने इनको कहा वहाँ पर इतने कॉमन है ऑटर जैसे कि मस्कीटो जैसे मच्छर होते हैं ना इस तरीके से वहाँ पर ऑटर्स होते हैं एंड वर अफन टेम्ड बाय अरब्स टेम्ड मतलब डोमेस्टिकेट कर, कर लिए जाते हैं फिर पाले जाते हैं अरब जो अरब मतलब उस रीजन के लोग जो तो ना अरब कहते हैं तो जो अरब के लोग हैं वो काफ़ी पालते हैं ऑटर्स को वी वर गोइंग टू बसरा टू द कौंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप तो इस समय पर ये कहां पर है बसरा बसरा वहां पे है इराक में है ना तो बसरा में है ये तो कॉन्सुलेट जनरल जो जैसे कि फॉरेन की, की एम्बेसीज होती है ना एम्बेसी क्या होती है जहाँ पे जैसे कि सपोज करिए इंडिया में काफ़ी सारे देशों की एम्बसीज हैं तो वहाँ के जो लोग हैं ना जैसे इंडिया में सपोज करिए कि कोई अमेरिका के लोग रह रहे हैं काम के लिए किस भी वजह से तो इंडिया में दिल्ली में एम्बेसी होती है अमेरिकन एम्बेसी तो अमेरिका के लोगों को जो भी काम होगा वो अमेरिकन एम्बेसी में जाएंगे इसी तरीके से फ्रेंस फ्रांस की एम्बेसी जर्मनी की एम्बेसी हर देश में दूसरे देशों की एम्बेसी होती हैं तो इसी तरीके से बसरा में भी कौन्सुलेट जनरल के पास जाते हैं कौनसुलेट जनरल एम्बेसी के एक ऑफिसर होते हैं तो ये जो राइटर हैं इनके पास जाते हैं और फिर देखते हैं क्योंकि राइटर तो यूरोप के होते हैं बट कुछ समय के लिए बसरा में होता है तो फिर पता करने जाते हैं कि इनके पास कोई मेल तो नहीं आया है यूरोप से क्योंकि ये मेल फ़ोन का ज़माना नहीं है ना 1956 बहुत पुरानी बात है एट द कौंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइंड हैड नॉट तो इनके जो फ्रेंड का मेल था वो तो आ गया था कॉन्सुलेट जनरल के पास बट तो राइटर का मेल नहीं आया था आई केबल टू इंग्लैंड केबल्ट का मतलब होता है उस समय पर टेलीग्राफ भेजा जाता था मतलब आप छोटा सा एक आ, सेंटेंस लिख करके अपना मैसेज भेज सकते थे तो वो होता था केबल तो केबल किया उन्होंने इंग्लैंड को एंड वेन थ्री डेज लेटर नथिंग हेट हैपन्ड फिर तीन दिन हो गए कुछ भी नहीं हुआ आई ट्राई टू टेलीफोन तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई टेलीफोन ही कर लिया जाए तो भाई टेलीफोन पहले क्यों नहीं किया गया क्योंकि भाई ये पुराना समय टेलीफोन करना इतना आसान नहीं होता था तब है ना द कॉल हैड टू बी बुकड ट्वेंटी फोर आवर्स इन एडवांस तो अगर आपको कि, किसी को फ़ोन करना है तो चौबीस घंटे पहले आपको अपनी कॉल को बुक करना पड़ेगा ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर तो पहले दिन जो है लाइन वो ठीक से काम नहीं कर रही थी सेकेंड डे एक्सचेंज बंद था क्योंकि कोई रिलीजियस हॉलीडे था तीसरे दिन जो है कोई और ब्रेकडाउन कुछ और दिक्कत आ गई थी तो इनका फ्रेंड जो है वो जा चुका था वॉस वहाँ से एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम तो अपने फ्रेंड से ये एक हफ्ते में मिलने भी वाले थे फाइव डेज लेटर माई मेल अराइव और पाँच दिन बाद इनका जो मेल आना था वो आ गया आई कै इट टू माई बेडरूम टू रीड तो इनका मेल आ गया फिर अपने बेडरूम में लेकर के जा रहे थे उसको पढ़ने के लिए एंड देयर आर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर तो स्क्वाटिंग का मतलब क्या होता है कुछ ऐसा ना हिल टाइप का रहा था मतलब फ्लोर पे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जैसी हो रही है कुछ स्क्वैट हो रहा है स्क्वाटिंग मतलब जैसे कि

स्क्विम का मतलब होता है ट्विस्ट मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था एक देखिए क्या था ना जब ये राइटर जो है अपने रूम पे पहुंचे अपने बेल को लेकर के तो इन्होंने देखा कि दो अरबी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और जमीन पर क्या है एक कट्टा रखा हुआ है वो कट्टा काफ़ी हिल रहा है स्क्विम फ्रॉम टाइम टू टाइम दे हैंडेड मी आर नोट फ्रॉम माई फ्रेंड हेयर इज योर ऑर्डर और जो अरबी लोग थे उन्होंने एक नोट दिया हाथ में राइटर के और उस नोट पे लिखा हुआ था उनके फ्रेंड ने नोट दिया था कि भाई हेयर इज योर ऑर्डर ये तुम्हारा ऑर्डर है तो मतलब कट्टे में क्या था ऑर्डर था तो विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई न्यू नॉट एंड बिफोर आई डू तो फिर ये कहते हैं कि उस समय पर मैंने क्या किया वो सैक मैंने खोला और फिर मेरी लाइफ का ऐसा फेज़ मतलब शुरू हो गया जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और जब तक ये राइटर लिख रहे हैं तब तक तो इनकी लाइफ से वो फेज़ खत्म नहीं हुआ है और ये कहते हैं कि शायद ये फेज़ कभी भी ख़त्म ना हो जब तक इनकी पूरी लाइफ रहे पूरी लाइफ मतलब ये साथ ये वाला जो इनका एक्सपीरियंस ये बताने वाले हैं वो चलेगा तो ये आगे बताते हैं इट इज़ इन इफेक्ट आ थ्रेल्टॉम टू ओटर्स ऑटर सॉरी एंड ऑर्टर फिकन तो इसका क्या मतलब है तो जो थैलड्राम है ना इसका मतलब होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ समी मतलब स्लेवरी तो इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ थेल्ड्राम टू ऑटर्स तो मतलब जैसे एंड ऑर्टर फिकन तो फिक्सेशन का मतलब होता है स्ट्रॉग अटैचमेंट दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर बाई मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन तो मतलब ये है कि इस तरीके से ये अटैचमेंट इनका हो गया था ऑटर से जैसे इन्होंने बैग खोला तो एक नया फेज इनकी लाइफ का स्टार्ट हो गया वो फेज इनका अभी तक खत्म नहीं हुआ था एक्चुअली ये फेज जो था ना वो बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटर क्योंकि मतलब तो ये इनका जो फेस था ये लाइफ का अब ये ऑटर के कंट्रोल में होने वाला था ऑटर से काफ़ी ज़्यादा इनको अटैचमेंट हो गया था लाइफ मतलब तो चल उसके साथ रह रहे के और काफ़ी उससे प्यार जैसा करने लगे थे द क्रीचर हैड एमर्ज फ्रॉम दिस सेक ऑन द स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ द कॉन्सलेट बाथरूम रिजेम्बल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मेडिवली कंसीव्ड ड्रैगन तो इसमें क्या है कि जो क्रीचर था मतलब वो जो ऑटर था वो बैग में से निकला और एकदम से स्पेशियस स्टाइल जो बड़ा बढ़िया सी मतलब बड़ी सी जो टाइल्स थी ना उस रूम में उस पर वो ऐसे रेंगने लगा मतलब और ऐसा लग रहा था जैसे पुराने जमाने में जो ड्रैगन को रिजेम्बल किया जाता होगा ना मेडिवल टाइम में उसमें जैसे कि कोई ड्रैगन सा निकल के आ गया इस तरीके से वो रोल कर रहा था फ्लोर पे फ्रॉम द हेड टू द दिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विदेट्रिकल स्केल्स ऑफ मड आमर बिटवीन वॉज विजिबल इन अट फॉर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल तो देखिये इसका क्या मतलब है तो अब इसमें राइटर बताते हैं कि वो किस तरीके का दिख रहा था तो मतलब सर से लेकर के पूछ तक वो पूरी तरीके से मिट्टी से लदा हुआ था मड आर्मर मतलब ऐसा था आर्मर क्या होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना तो उसकी जो स्केल्स थी मतलब जितनी भी उस पर लेयर थी वो पूरी की पूरी मिट्टी से ढकी हुई थी और मिट्टी की वजह से ऐसा लग रहा था उसका जो कलर है ना उसका रंग बिल्कुल चॉकलेट मतलब ब्राउन कलर का होता है ना इस तरीके का वो लग रहा था और फिर उसके बाद उसने खुद को हिलाया जब उसने खुद को बहुत तेज हिलाया तो राइटर ने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत सारी धूल निकलेगी और वो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा बट लगभग एक महीना राइटर को लगा उसको साफ करने में पूरी तरीके से उसका ट्रू कलर बाहर आने में उस ऑटर का पूरा एक महीना लग गया एक महीना मतलब जाकर के एक महीने में उसकी पूरी मिट्टी साफ हुई थी मिजबिल आई कॉल्ड द ऑटर मतलब इन्होंने ऑटर का नाम रखा मिजबिल इनफैक्ट वन ऑफ द रेस प्रीवियसली अनोन टू साइंस तो मतलब जो मिजबिल था ना इनका जो ऑटर था वो ऐसी रेस थी ऑटर्स की जो पहले साइंस को पता ही नहीं थी तो जुलॉजिस्ट ने उनका काफ़ी लंबा नाम दिया लुट ये जो भी है मैक्सवेल है ना या फिर इसको मैक्सवेल्स ऑटर कहा जाने लगा मतलब ये जो ऑटर का टाइप था ना इसका नाम ही मैक्सवेल ऑटर दे दिया गया बायोलॉजिस्ट जूलॉजिस्ट के द्वारा फॉर द फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली तो स्टार्टिंग के जो चौबीस घंटे वो राइटर के साथ था ना ही तो वो हॉस्टाइल था ना ही तो उन पर अटैक कर रहा था या फिर अनफ्रेंडली था ना ही वो दोस्त की तरह व्यवहार कर रहा था ही वो सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट तो मतलब अलूफ का मतलब होता है कीपिंग अ डिस्टेंस मतलब एक राइटर से थोड़ा अलग अलग था अलग अलग सा था और ज्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार एज फ्रॉम माई बेड तो स्टार्टिंग के 24 घंटे तो वो बेड से दूर ही रहा और नीचे ही सोया और जमीन पर सेकेंड नाइट मिजबिल जो है वो बेड पर आ गया इन द स्मॉल आर्ट्स एंड रिमेंड अ स्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज अनटिल द सर्वेंट एंड बॉटी तो अगले एक दिन तो वो जमीन पर ही सोया फिर अगले दिन अगले दिन रात को वो बेड पर चढ़ करके आ गया और राइटर के कोहनी जो होती है क्रूक्स ऑफ नीक मतलब होता है बैक पोर्शन ऑफ नीक कोहनी का पीछे वाला कोहनी कह रही हूँ जो पैर के घुटना होता है ना घुटने के पास वो आकर के सो गया और तब तक सोता रहा जब तक सुबह जो सर्वेंट हैं वो टी नहीं लेकर के आ गए मॉर्निंग में ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी एंड टेक अ इन मच टू इन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स तो जो एपैथी थी उसकी लैक ऑफ इंटरेस्ट था ना अनविलिंगनेस थी वो सारी की सारी हट गई और आसपास के पहले तो वो आसपास उसके क्या हो रहा है उसको कुछ मतलब नहीं था फिर धीरे धीरे वो आसपास की चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगा आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टूक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम तो एक बॉडी बेल्ट मतलब जैसे बना दी बॉडी बेल्ट जैसे कि होती है ना डॉक्स की होती है न, की होती इसी तरीके की बेल्ट टाइप की इन्होंने राइटर ने बना दी अपने जो मिजबिल था इनका नेक के अराउंड उसके बांधने के लिए और उसको उसकी तरह बाथरूम की तरफ ले गए वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वॉटर प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट फिर वो बाथरूम में ले गए थे तो फिर प्लन्ज करा मतलब जंप कर रहा था पानी में रोल कर रहा था तो काफ़ी देर तक जो ऑटर था वो पानी में खेलता रहा शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथट अंडर वाटर एंड मेकिंग एनफ स्लॉथ एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो तो फिर वो uh,

पानी होता है वो किस तरीके से उसको हर तरफ एक एक ड्रॉप को फैला देता है अ बाउल मस्ट बी एट वंस बी ओवरटर्नड और इफ़ इट इज विल नॉट टू बी ओवरटर्न बी सेट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज तो इसका क्या मतलब है इसका देखिए ये मतलब है तो जो राइटर थे ना उन्होंने ऑटर के बारे में ये सीखा जब इन्होंने बाथ टब में देखा कि पानी मतलब ऑटर को इन्होंने बाथ टब में छोड़ दिया पानी के साथ फिर देखा कि ऑटर पानी को हिलाया जा रहा है हिलाया जा रहा है हिलाया जा रहा है तो इससे इनको ये समझ में आया कि ऑटर के लिए हमेशा पानी को बहते रहना चाहिए अगर उस ऑटर को दिखता है कि पानी बिल्कुल स्टिल है तो वो उसको छप 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 करके बिल्कुल पूरी तरीके से हिलाता ही रहता है पानी स्टैटिक नहीं होना चाहिए रुका हुआ नहीं होना चाहिए एक ऑटर के लिए उसको लगता है अगर पानी रुका हुआ है तो वो बिल्कुल वेस्ट पानी है और वो उसको प्रोवोक करता है मतलब उसको उनको गुस्सा सा करने लगता है पानी के ऊपर ऑटर अगर वो चल नहीं रहा होता तो या तो मूव नहीं कर रहा होता फिर टू डेज लेटर दो तो दिन बाद मिजबल एस्केप्ड फ्रॉम माय बेडरूम एज आई एंटर्ड इट एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग अराउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम तो दो दिन बाद जो है मिस जो मिजबिल था वो इनके बाथरूम से बाहर निकल गया बेडरूम से बाहर निकल गया और ऐसा uh, ऐसा लग रहा था कि उसकी जो टेल है वो बेंड हो रही है कॉरिडोर की तरफ और देर वो अ बाथरूम एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर कॉरिडोर जो होता है जैसे कि रूम के बाहर कॉरिडोर होता है उसके एंड में बाथरूम था और जब ये बाथरूम में पहुँचे तो इन्होंने देखा कि मिजल मिजबिल जो है वो बाथट में कूद गया है और वो प्ले कर रहा है मतलब खेल रहा है क्रोमियम प्लेटेड टैप्स विद दिस बॉस मतलब जो टंकी होती है ना पानी का जो नल होता है उसके साथ वो उसको घुमा घुमा के खेल रहा था क्योंकि इसको पानी पसंद होता है पानी में रहने वाला क्रीचर है तो वो काफी ज्यादा पसंद करता है पानी को तो जब तक राइटर वहां पहुंचे तब तक उन्होंने देखा कि वो बार टब में फम्बलिंग फम्बलिंग होता है ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ क्लमजी मैनर मतलब बहुत ही खराब तरीके से वो टैप्स को अपने पाव से अपने पंचों से खोलने की कोशिश कर रहा था फिर राइटर कहते हैं आई वॉच्ड अमेज्ड इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो मतलब थोड़ी इन्होंने कहते हैं कि उसने टंकी खोल ली थी जो नल था वो खोल लिया था और उसमें से पहले ट्रिकल था मतलब बहुत ही कम कम पानी आ रहा था फिर धीरे धीरे से पूरे के पूरे फ्लो में पानी आने लगा था यह देख करके अमेज हो गए थे राइटर चौक करने मतलब हो गए थे चौक गए थे कि कैसे कर लिया इसने ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स क्र्यू इट अप अपटिल थिकर चिटरिंग एंड इरीटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट तो पहली बार तो uh, मिजबिल ने खुद से खोल ली थी बट आगे के ओकेजन्स पे मिजबिल को बड़ी दिक्कत हुई थी वो uh, मतलब इरीटेड हो जाता था चिटरिंग साउंड ऑफ एन आउंड मतलब करता था, आवाज था, आवाज निकालता वाली क्योंकि टैप उससे खुलती ही नहीं थी पहले तो वो उसने टैप खोली थी पहली बार में बट बाद में जब वो दोबारा कई ओकेजन पे मिजबिल ने टैप मिजबिल कौन है ऑटर है ऑटर ने जब टैप ऊपर करने की कोशिश करी थी ना तो उससे होती ही नहीं थी वेरी सुन मिच वुट फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी वैन आई कॉल्ड हिज लेम तो मिज कौन है मिजबिल तो ये राइटर कहते हैं कि धीरे धीरे मिजबिल जो है वो अपने आप ही मेरे पास आने लगा था वो ट्रेन हो गया था एक तरह से आने के लिए ही स्पेंड मोस्ट ऑफ इज टाइम इन प्ले ही स्पेंड आर्स शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ फोर फुटेड सॉकअप्लेयर यूजिंग ऑल फोर फीट टू ड्रिबल द बॉल तो मतलब धीरे धीरे वो ट्रेन हो गया था फिर वो बॉल के साथ खेलता रहता था और जो सॉकर प्लेयर होते हैं मतलब तो जैसे कि वो पैरों से बॉल को मारते हैं ना तो ये ऐसा करता था जैसे कि फोर फुट का कोई प्लेयर हो और वो बॉल को पूरे के पूरे रूम में क्या कर रहा था घुमा रहा होता था शफलिंग मतलब मूविंग तो पूरे के पूरे रूम में जैसे ये घुमाता रहता था जगल करता रहता था उसके साथ खेलता रहता था आगे है इसमें द बॉल एंड द आल्सो गुड थ्रो इट मतलब उसको थोड़ा सा फेक भी देता था विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक टू सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस तो फ्लिक का मतलब होता है क्विक लाइक लाइट मूवमेंट तो उसको फेक भी दिया करता था काफी तेजी से बॉल तो ये बॉल से भी खेलता था और बॉल के अलावा जगलिंग भी काफी ज्यादा किया करता था मतलब लेट जाता था और बैक पे लेट जाता था मार्बल जो है उससे वो खेला करता था मार्बल को एक एंड से दूसरे एंड पर फेंक फेंक के वो खेलता था वो कभी भी मतलब कोई भी मार्बल ड्रॉप नहीं करता था गेम खेलते हुए हिज बेली वॉज वाइड एंड फ्लैट और इसकी जो बेली थी इसका जो पेट था ना वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था और फ्लैट सा था और ये काफ़ी ज़्यादा लेट करके मार्बल से बहुत ही मज़े से खेला करता था तो हमने इसके दो पार्ट देख लिए हैं अब इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ना वो हम आगे आने वाले वीडियो में कवर कर लेंगे तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश की बुक का चैप्टर एट मिजबिल द ऑटर का पार्ट टू तो इसका जो लेसन का पार्ट वन पार्ट टू है वो तो हम फर्स्ट वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं ये इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है तो हम आगे देखते हैं द डेज पास पीसफुली एट बसरा बसरा में दिन जो है वो आराम से पीसफुली शांति से गुजर रहे थे बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड तो ये कहते हैं कि ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट मतलब इनके मन में काफी ज्यादा डर था कि भाई किस तरीके से ये जो मिजबिल इनका ऑटर है इसको बसरा से लंडन में किस

एयरलाइन इंसिसटेड दैट मिच शुड बी पैक्ड इन टू अ बॉक्स नॉट मोर देन एटीन इंचिसक्वायर टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट तो ये इनकी जो एयरलाइंस थी उन्होंने कह दिया कि अगर आपको अपने पेट को अपने पैरों नीचे के नीचे साइड सीट के नीचे रखना है तो आपका जो बॉक्स है ना वो एटीन इंचज से बड़ा नहीं होना चाहिए एटीन स्क्वायर इंचज का होना चाहिए तो आई हैड मेड बॉक्स तो फी राइटर ने बॉक्स बना दिया एंड एन an Hour before we started, I put Mitch into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. तो इन्होंने आधा घंटे पहले ही मिर्च को पैक कर दिया बॉक्स में ताकि थोड़ा मिर्च को आदत हो जाए मिर्च कौन मिर्च बिल ऑटर ऑटर को इन्होंने बॉक्स में पैक कर दिया और फिर ये फटाफट से मील लेने के लिए यानी कि खाना खाने के लिए निकल दिए फिर जैसे ही वापस आए देर वॉज एन अपीलिंग स्पेक्टिकल देख अपीलिंग स्पेक्टिकल का मतलब होता है एक शॉकिंग सा सीन इन्हें देखने को मिला देर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स मतलब जब ये वापस आए तो बॉक्स में बिल्कुल शांति थी बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिट ब्लड हैज एंड ड्राइड तो तो इसके जो एयर होल्स थे है ना जो बॉक्स था उसमें अगर आप जैसे जानवर को बंद किया है तो उसमें से कुछ जगह होगी जिसमें से कुछ निकल रहा होगा है ना देखिए हवा जाने के लिए होल उन्होंने जो बनाया था और चिंक्स चिंक्स का मतलब होता है गैप तो जो चिंक्स है इसका मतलब होता है गैप एयर होल्स मतलब थोड़े छोटे छोटे से होल्स बना रखे थे ताकि हवा पास होती रहे उसमें से ब्लड निकल रहा था ब्लड ट्रिकल आउट हो रहा था यानी कि ब्लड बाहर निकल रहा था और वो ब्लड सूख चुका था आई विप्ट ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड तो इन्होंने पूरा मतलब फाड़ दिया उसको लेड को जो उन्होंने बॉक्स बंद करने के लिए लिड लगाई हुई थी ना राइटर ने उसको पूरी तरह इन्होंने फाड़ा एंड मिच एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड विम्ड एंड कॉट एट माई लेग और फिर जो मिच था विप्ड ऑफ उसको इन्होंने विप्ड ऑफ किया मतलब फटाफट से मेज को इन्होंने बाहर निकाला ब्लड स्पैटर्ड का मतलब होता है यहाँ पे देखिए जो ब्लड स्पैटर्ड है वो ब्लड से कवर जो मिर्च था उसको इन्होंने एकदम से बाहर निकाला और मिच जो है वो विम्पर कर रहा था विम्पर का मतलब होता है ऐसे करके आवाज़ निकाल रहा था जैसे कि काफ़ी ज़्यादा वो दर्द में हो और उसने राइटर के पैर को पकड़ लिया ही हैड टॉन द लेनिंग ऑफ द बॉक्स टू द श्रेड्स तो फिर उन्होंने क्या किया था आ, जो लिनिंग थी ऊपर वाली लाइन थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया था वेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वॉज नो कटिंग एजेस लेफ्ट इट वॉज जस्ट टेन मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट तो जैसे इन्होंने लिट को पूरी तरीके से फाड़ा राइटर ने और उसके एजेस को अच्छे से काट दिया ताकि कोने जिसमें बॉक्स को रखना है उसके कोनों को इस तरीके से राइटर ने काट दिया जैसे कि मतलब कोई नुकसान ना पहुंचे जैसे कि पहुंच गया था ना इससे पहले काफ़ी ज्यादा खून निकल गया था मेच कहा तो अच्छे से उन्होंने कर दिया सब कुछ राइटर ने बट सिर्फ दस मिनट बचे थे अब उनकी फ्लाइट के एंड द एयरपोर्ट वॉज फाइव माइल्स डिस्टेंस और एयरपोर्ट काफी ज्यादा दूर था आई पुट द मिच बैक इन टू किसी तरह अपने मिच जो था इनका उसको वापस बॉक्स में रखा होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड और जो लिड थी इन्होंने अपने हाथ से पकड़ रखी थी लिड होता है ढक्कन तो ढक्का इन्होंने अपने हाथ से पकड़ रखा था आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोल थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक अ रैको चेटिंग बुलेट तो इन्होंने मतलब पीछे वाली सीट पर बैठे साथ मिर्च को इन्होंने रख रखा था जिस बॉक्स में मिर्च था और ड्राइवर जो है वो बसरा की स्ट्रीट पर बहुत ही तेज जा रहा था जैसे कि कोई बुलेट होती है जो एक डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से भागती जाती है इस तरीके से जो ड्राइवर था वो कार को चला रहा था द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टूक ऑफ और एयरक्राफ्ट जो है निकलने ही वाला था आई वॉज़ रश थ्रू टू इट बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स अब एयरक्राफ्ट निकलने वाला था ही लेट पहुँचे थे काफ़ी ज़्यादा जो इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स थे मतलब गुस्से में जो फ़्लाइट में काम करने वाले लोग थे काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में थे और फिर उनके द्वारा मतलब फिर फ्लाइट अटेंडेंट्स जो थे वो राइटर को और इनके पेट को ले गए लकीली ली द सीट बुक फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट तो सीट जो थी वो आगे की तरफ ही थी लकीली क्योंकि वरना फिर को ले जाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता आई कवर द फ्लोर अराउंड माई फीड विद न्यूज़ पेपर रैंक फॉर द एयर होस्टेस एंड गिव हर अ पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस तो ये वहाँ पर पहुंचे अपनी सीट पे इन्होंने पूरी तरीके से नीचे न्यूज़पेपर बिछा दिए और एक फ़िश का टुकड़ा फिश जो है एयर होस्टेस को दी ताकि वो फ्रिज में रख दे क्योंकि वो मिच को देनी थी ना मिच खाता था फ्रेश फिश आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर तो आई टुक इंटू माय कॉन्फिडेंस मतलब है कि पूरी तरीके से समझाया राइटर ने एयर होस्टेस को हो कि क्या हुआ था एक घंटे पहले लगभग आधे घंटे पहले फिर उसके बाद आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस तो ये कहते हैं कि रिटेन मतलब मुझको काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी लगी थी कंटिन्यू टू होल्ड रिटेन का मतलब होता है कंटिन्यू टू होल्ड एडमरेशन का मतलब होता है अप्रिसिएशन मतलब तारीफ़ और प्रोफाउंड यानी कि सिंसियर तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं राइटर उस एयर हॉस्टेस की क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शांति से उसने सब कुछ सुना था और काफ़ी हेल्प भी करी थी राइटर की शी वॉज द वेरी क्वीन फॉर हर काइंड शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रिफर टू हैव माई पैट ऑन माई नी एंड आई कुड हैव किड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड तो फिर ये कहते हैं कि इतने ज़्यादा मतलब वो अच्छी लगी इनको एयर हॉस्टेस कि जैसे uh, ये उसका हाथ वो किस करना चाहते थे ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कि भाई कितनी ज़्यादा उस एयर होस्टेस ने इनकी मतलब बात को अच्छे से समझा और मिचका ध्यान रखने में भी, भी हेल्प करी बट नॉट क्वेश्चनिंग बट नॉट नोइंग ऑटर्स। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयरड फॉर वट फॉलोड तो फिर ये कहते हैं कि मेरे को तो ये नहीं पता था कि ऑटर्स क्या करना ऑटर जो है वो क्या कर सकता है इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जैसे कि एयर होस्टर्स को बहुत ज़्यादा तारीफ कर देना उसके हाथ पे किस कर देना क्योंकि फिर ऑटर उनका क्या कर देता हमें वो भी नहीं, नहीं पता था ना तो सिचुएशन ऑक्वर्ड भी हो सकती थी अब आगे आता है मिच वॉज आउट ऑफ इस बॉक्स इन अ फ्लैश मिच जो है वो एकदम से बाहर निकल आया अपने बॉक्स से देखिए मिच जो है बॉक्स से बाहर आ गया है सारे के सारे पैसेंजर्स के साथ हड़बड़ा गए हैं जब ही डिसअपियर एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट देर वॉज को शेक्स एंड अ वॉप स्टुड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट अ रैट अ रैट तो एकदम से मिच जो है बाहर निकल गया और फिर वहाँ से आवाज़ आई कि रैट 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 चूहा 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 स्कॉट्स एंड श्रिक्स का मतलब है स्कॉक्स जो स्कॉक्स इसका मतलब होता है शाउट श्रिक्स श्रिक्स का मतलब होता है क्राइज चिल्लाने लगी कि चूहा है चूहा है आई कॉट साइट ऑफ मिच स्टिल डिसपेयरिंग बिनी द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बर्न इंडियन तो फिर इन्होंने देखा कि जो मिच की एक पूछ है वो निकल रही है कहाँ से एक कोई इंडियन है कोई पर्सन सरदार जी हैं उन्होंने वाइट कलर की जैसे पगड़ी सी पहन रखी है और वहाँ से मिच भागता हुआ इनको दिखा राइटर को डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माय फेस कवर्ड इन करी तो डाइव करा इन्होंने मतलब एक तरह से लपके गया उसकी तरफ मिच को पकड़ने के लिए तो उसको तो पकड़ नहीं पाए मगर मतलब इनका फेस पे पूरी की पूरी करी मतलब करी क्या होता है ग्रेवी होती है किसी चीज़ की वो इनके पूरे मुँह पे लग गई पर हैप सेट द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड गेट टू यू तो बहुत ही मतलब अच्छी सी स्माइल के साथ एयर होस्टर्स ने कहा आप अपनी सीट पर बैठ जाइए और जो एनिमल है वो मैं आपके लिए ढूंढ करके ले आऊँगी आपके पास फिर ये अपनी सीट पर वापस पहुँचाते हैं आई वॉज क्रैनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट वैन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट डिस्ट्रेस चेटर ऑफ रिकोगेशन एंड वेलकम एंड मिच बाउंड ऑन माई नी एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक तो फिर ये जैसे बैठे जा कर के Uh, तो आई वॉज क्रैनिंग माई नेक तो अपनी नेक को एक तरह से वो क्रैनिंग माई नेक होता है ना स्ट्रेचिंग नेक टू सी समथिंग अपनी गर्दन को घुमा रहे थे देखने के लिए तभी इनको समझ में आ गया सडनली आई हर्ट अफ माई फीट अ डिस्ट्रेस चिटर तो एकदम चिटर यानी कि अलग डिस्ट्रेस चिटर यानी कि पेनफुल सी आवाज इनको अपने पैरों के पास सुनाई दी और उनको समझ गए कि मिच जो है वो इनके पास आ गया था अब मतलब मिच जो है वो आ गया था इनके पास और अपना फेस जो है वो एक तरह से रगड़ने सा लगा था इनकी नी के पास आकर के तो ये हो गया अब आगे का पार्ट देखते हैं मिच एंड आई रिमेम्बर्ड सॉरी ये वाला तो फ्लाइट का पार्ट हो गया थर्ड वाला अब आगे आता है मिच एंड आई रिमेन इन लंडन फॉर नियरली अ मंथ तो लगभग लंडन अभी पहुंच चुके थे सबके बाद अब एक महीने तक ये लोग लंडन में रुके आफ्टर इवेंटफुल जर्नीज रीच लंडन वेन ही हैज has अ फ्लैट तो लंडन पहुंच गए थे लंडन में इनके पास फ्लैट था राइटर के पास I आई in इन लंडन फॉर a मंथ एक महीने तक जो है लंडन में रहे ही वुड प्ले फॉर आर्ट्स विद द सेलेक्शन ऑफ टॉयज पिंक पंग बॉल्स मार्बल्सूट एंड अ टेरापिन शेल दैट आई हैड वॉड बैक फ्राम हिज नेटिव मार्शस तो ये जो है कई हफ्तों तक मतलब घंटों तक मिर्ज जो है खेला करता था अलग अलग फ्रूट से मार्बल से बॉल से और एक शेल जैसा था टेरापिन शेल होता है ना इस टाइप से कुछ था उससे घंटों तक खेला था खेला करता था मिर्ज जो कि वहाँ से लेकर के आए थे इसके नेटिव मार्शस से नेटिव मार्शस मतलब नेटिव का मतलब होता है जिस जगह से आप होते हैं मार्शि दल दल तो जिस जगह ऐसे आया हुआ था ना ये मिज मिजबिल ऑटर वहीं का जो एक शेल राइटर वहां से लेकर के आए थे उससे मैच काफी ज्यादा खेलता था पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड गेम ऑफ इस कु कीप हिम एनग्रोस्ड फॉर अपू एंड हाफ अवर एट अ टाइम तो एक इसने अपना गेम सा इन्वेंट कर लिया था बॉल से कि उस गेम कोई लगभग आधे घंटे तक तो आराम से खेलता रहता था अट केस दैट आई हैड टेकन टू इराक है जर्नी होम सो दैट द लेड वैन क्लोज रिमेन टू अ स्लो फ्रॉम वन एंड टू द अदर तो सूट केस जो लेकर गए थे वो खराब हो गया था तो वो ऐसा टेढ़ा सा हो जाता था मिज डिस्कवर दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूट केस तो मिर्ज को समझ में आ गया अगर ये मिर्ज सूट केस टेढ़ा हो गया था ना बॉल को मैं यहाँ पर रखेगा तो बॉल उड़क करके नीचे आ जाएगी अब इससे क्या था वो खेलने लगा था काफी ज्यादा और काफी उसको इस खेलने में मजा भी आने लगा था तो भाई वो खेला करता था है ना तो इसमें यही है आगे फिर इट्स अराइवल क्राउचिंग टू तो स्प्रिंग अप एंड टेक अप बाय सरप्राइज क्राउच का मतलब होता है बेंड नीज एंड ले ऑन द ग्राउंड तो उसको अपनी नीज़ को बेंड करके उसको पकड़ लेता था बॉल को सरप्राइज से ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर और ट्रॉट ऑफ़ यानी कि वॉक प्राउडली ट्रॉट ऑफ मतलब पहले वो नीज से उसको जब बॉल नीचे आती थी तो, तो वो पकड़ तो लेता था फिर वॉक ट्रॉट ऑफ वॉक करके जाता था फिर से ऊपर लगता था फिर नीचे रुड़का देता था तो उसका गेम बन गया था वो खेलता तो रहता था आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड प्रिसाइसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग तो इस तरीके से फिर घर गर... के बाहर एक्सरसाइज कराने के लिए और घुमाने के लिए लेकर के जाते थे जैसे कोई डॉग हो मिच क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट तो मिच ने कुछ कंपल्सिव कंपल्सिव मतलब होता है जो आदत हो जाती है करने की तो इस तरीके की कुछ हैबिट्स मिच ने डेवलप कर ली थी जब वो स्ट्रीट्स पर घूमने जाता था लाइक रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रेन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम होम मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक मतलब जैसे कि ऐसे ब्लॉक होता है ना तो जैसे बच्चे करते हैं कि पहले वो ब्लैक वाले ब्लॉक पर रखते हैं फिर से ब्लैक वाले फिर ब्लैक वाले फिर व्हाइट वाले इस तरीके से वो भी अलग अलग ब्लॉक्स में पैर रखा करता था गेम टाइप का खेला करता था अपोजिट टू माई हाँ फिर ये है और फिर उसके बाद हाँ ये आयरन रेलिंग को टच करता था और अलग अलग चीज़ें वो कर किया करता था अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल इनके फ्लैट के अपोजिट सामने एक प्राइमरी स्कूल था अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल सम टू फीट हाई और उसके सामने एक टू फीट हाई वॉल भी थी ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट मिज वुड टग मी टू दिस वॉल मतलब वापस जाते हुए घर आ, मिज जो है वो वॉल की तरफ को चला जाता था और उस वॉल पर जंप करता था एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ इज थर्टी यार्ड्स गैलोप का मतलब है आ, कि वो जैसे कि कूदता था और एक तरह से उसने अपना रिचुअल बना लिया था रन गैलोप का होता है तेजी से भागना रन क्विकली वहाँ पे भागता था कूदता था वॉल पर और खूब मज़े करता था टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल एंड अ स्टाफ विद इन तो वो कूदता था मिज बहुत ज़्यादा तो बच्चे और स्टाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाता था ना उनका दिमाग या फिर ध्यान भटक जाता था मिज के ऐसा करने से इट इज़ नॉट आई सपोज इन एनी वे स्टेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकोगनाइज एंड ऑटर बट द वायटी ऑफ गैसेज सो एज टू वट काइंडिमल दिस माइट बी केम एज सरप्राइज टू बी तो ये कहते हैं कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि लंडन के लोगों को समझ ही नहीं आता था कि ये जो जानवर है क्या है और वो अलग अलग गैसेस उसके मारते रहते थे ऑटर बिलोंग टू अ कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलिनस शेयर्ड बाय द बैजर मोंगूव वीजल यह अलग अलग जानवरों के नाम हैं तो ऑर्डर छोटा सा होता है और किसके जैसा होता है मोंगूव हो गया है ना या फिर जो स्टॉक मिंक अलग अलग जानवर हैं उनके जैसा दिखता था आई फेस अ कंटिन्यूस बैरिज ऑफ कंजेक्टरल क्वेश्चन दैट स्प्रेड ऑल मस्टल बट द ऑटर तो ये कहते हैं कि मेरे को अलग अलग क्वेश्चन लोग मेरे से पूछा करते थे बैरिज होता है सीरीज ऑफ समथिंग कंजेक्टर होता है बेस्ड ऑन गेस और ओपिनियन स्प्रेड होता है इंक्लूडेड तो बैरिज हो गया अ सीरीज ऑफ समथिंग कि भाई कोई चीज़ बैरिज से इनके लिए चल गई थी कि भाई ये क्या है और अलग अलग क्वेश्चन लोग इनसे ऑटर के बारे में पूछा करते थे मोर रेंडम कैसेज हिट ऑन अ बेबी सील कुछ कहते थे ये सील है कुछ कहते थे अलग टाइप का स्क्वेरल है कुछ कहते थे ये एक वॉलूज है अलग अलग जानवरों के नाम है ना रिड्यूस टू गिगल्स एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो एक डॉग शो के बाहर इन्होंने किसी ने ये भी कहा कि भाई ये तो एक हिपो पैमस है इनके ऑटर को अब बीवर बीवर भी कहा गया बियर कब भी कहा गया कि भाई बियर का बच्चा है लेपर्ड भी कहा किसी ने अपेरेंटली दैट इट चेंजेस द स्पॉट्स एंड अ स्पॉर्ट आर मिस वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर तो ये कहते हैं लोग ऑटर के अलावा ना को पता नहीं क्या क्या इतने सारे जानवरों के नाम लोग दे देते दे थे मिच को बट कोई ये नहीं जानता था या समझ पाता था कि ये तो एक ऑटर है बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट तो फिर कहते हैं कि एक लेबर एक मजदूर जो होल एक गड्ढा खोद रहा था सड़क पर उसने कुछ अलग ही टाइप की मिर्ची क्वेश्चन की आई वॉज स्टिल फायर फ्रॉम हिम वेन ही लेट डाउन हिज टूल फिर ये कहते हैं कि मैं जब ऑटर को लेकर के या मिर्च को लेकर के घूम रहा था बाहर तो उसने अपने टूल्स अपना जो सामान था को, खोद रहा था जिससे सड़क उसने वो नीचे रख दिया काफी पहले ही पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स उसने अपने हाथ अपने हिप्स पर रखे और काफी ज्यादा स्टेयर करने लगा मिर्च को वो घूर घूर के देखने लगा एज आई ड्रू नियर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड एफरेंट एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपन होम टू पे प्ले जोक्स तो आ, मतलब इस तरीके से अजीब तरीके से घूर के देखने लगा मिज को और मुझे और ऐसे देख रहा था जैसे जैसे मैं उसके पास गया उसके एक्सप्रेशन से मुझे समझ आया उस लेबर के कि भाई ये जोक्स वोक्स करने वाला पर्सन तो है नहीं आई केव अब्रेस्ड अब्रेस होता है साइड बाई साइड एट द सेम लेवल मैं बिल्कुल उसके किनारे पर आ गया उसके साइड में आ गया और हाँ एफ्रॉन्ट इंसल्ट ह्यूमिलिएशन फ्रॉन्ट जो है इसका मतलब होता है ह्यूमिलेशन या इंसल्ट आई केम अब्रेस जैसे वो उसके साइड साइड आया ही स्पैट ग्लेड एंड देन ग्रॉल्ट आउट ही पैट ग्लेयर्ड का मतलब होता है लुक कंटिन्यूसली एकदम से वो देखता रहा और ग्रॉल्ड आउट एकदम से वो बोला हेअर मिस्टर वट इज़ दैट सपोज टू बी तो बहुत ज़्यादा उस जो मजदूर था वो वो देखता रहा घूरता रहा अजीब तरीके से मिच को और जैसे ही राइटर उसके पास से निकले तो उन्होंने राइटर से कहा हे मिस्टर ये ये चीज़ है क्या खैर उसको समझ नहीं आया उसने पूछ लिया मिस्टर वट इज़ दैट सपोज टू बी ये चीज़ क्या है तो ये हमारा चैप्टर था इस चैप्टर में इतना ही था हमें बताया गया था और अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करूँ तो मेरे को ज़रूर बताइएगा जल्दी ही। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर के आ जाएंगे तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। आगे के चैप्टर्स भी हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे थैंक यू